मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में, विद्युत धारा में संबंध, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। देखिए बच्चों, आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप इसका पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अपन विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध स्थापित करते हैं। संबंध स्थापित करने के लिए एक चालक की कल्पना करते हैं। माना कि कोई चालक है जिसकी लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। और इसके सिरों पर क्या आरोपित है? कोई विभवांतर वी आरोपित है। देखिए, जब बच्चों अपन सब जानते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं? अपवहन वेग से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। ओके, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस डायरेक्शन के अंदर गति करेंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या प्रवाहित होने लग जाएगी? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। माना कि इस चालक जो दे हैं अपना, चालक के एकांक आयतन में मान लीजिए स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्मॉल एन। तो चालक के वी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एन वी। और इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैंने नाम दे दिया कैपिटल एन। जहां बच्चों वी बराबर है आयतन किसका? चालक का आयतन। और चालक का आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए इंटू एल। तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी अपने पास में एन बराबर एन ए एल। ओके, यहाँ पे मैंने इस वी की वैल्यू पुट कर दी है। ये चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। तो देखिए, वी नो दैट आवेश के क्वांटीकरण से क्या होता है? क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। तो चालक पर आवेश कितना होगा? चालक पर आवेश आ गया अपने पास में क्यू इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रख देते हैं तो आ जाता है एन ए एल ई। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, अपन जानते हैं जब मैंने आवेश निकाला है, अपन को रिजल्ट निकालना है अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, तो अपने पास में क्या होना चाहिए? विद्युत धारा होना चाहिए। तो आवेश अगर दे रखा है, आवेश क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? वी नो दैट विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। दैट इज इक्वेशन नंबर टू। समीकरण एक को कहाँ पे रख देते हैं? समीकरण नंबर दो में रख देते हैं। तो I बराबर आ जाएगा एन ए एल ई अपॉन टी। ये हो गया समीकरण नंबर तीन। देखिए बच्चों, T क्या है? वह समय है जिसमें क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसका समय कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए, यहाँ से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ यहाँ पे जा रहा है, तो उसने कितनी दूरी तय की? टी बराबर हो गया एल, और उसकी चाल क्या है? अपवहन चाल से गति करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। तो टी बराबर मैं लिख सकता हूँ एल अपॉन वी डी। तो आई बराबर हो गया
एन ए एल ई अपॉन एल अपॉन वी डी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये वाला टर्म्स ऊपर चल जाएगा तो बन जाएगा एन ए एल ई वी डी। तो ये आ गया अपना विद्युत धारा तथा अपवयन वेग में संबंध। और मैं इसको इससे भी लिख सकता हूँ, कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि I बराबर हो गया एन ए ई वी डी, जहाँ पे N क्या है, चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, E होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और वी डी होता है अपवयन वेग। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इस पे डिपेंड करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, और वो भी बहुत ही आसान टॉपिक है, इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो बच्चों मैं टॉपिक स्टार्ट करने से आपको पहले बता देता हूँ कि जो वीडियो में आपको पढ़ाया जाता है जो थ्योरी, उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना अपवयन वेग तथा विभवांतर में संबंध ओके, या विभव में संबंध। तो देखिए बच्चों, अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, V अपॉन L। मैंने V अपॉन L वाला फॉर्मूला कहाँ से लिया, क्योंकि बच्चा विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, यानी कि वोल्ट अपॉन मीटर, मीटर यानी कि कुछ लंबाई, यानी कि चालक की लंबाई। आरोपित विभवांतर में, चालक के आरोपित विभवांतर में अगर उस चालक की लंबाई का भाग दे दिया जाए तो अपने पास में आ जाता है चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र। ओके, तो ये बात अपन सब जानते हैं। अब लिखते हैं, वी नो दैट वी डी बराबर होता है ई ई अपॉन एम इंटू टॉ। ओके, यहाँ से अपन ई की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ मैं, तो सभी टर्म्स को इधर ले आइए, तो वी डी अपने स्थान पर, एम ऊपर चल जाएगा, और ई और टॉ कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, समीकरण नंबर दो। इस समीकरण एक को समीकरण दो से ई का मान कहाँ पे रख दो, समीकरण नंबर दो में रख दो। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, समीकरण दो से ई का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे रख दीजिए इस ई का मान, तो आ जाएगा वी डी एम ई इंटू टो बराबर वी अपॉन एल, समीकरण नंबर तीन। थोड़ा सा इस समीकरण तीन को क्या कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, तो मॉडिफाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, वी डी बराबर ये सारी चीज़ इधर चल जाएगा, वी डी इक्वल टू बन जाएगा ई टो अपॉन, ये वाला एम नीचे आ जाएगा और ये दोनों ऊपर चल जाएगा, एम इंटू एल इंटू वी, जहाँ पर वी क्या है, चालक पर आरोपित विभवांतर है। देखिए बेटा, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टी क्या होता है विश्रांति काल, एम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल होता है चालक की लंबाई, ये चारों टर्म्स क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, अर्थात जो चालक होता है, उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अपवयन वेग वी डी जो होता है वो चालक पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। ओके, अगर जितना अधिक विभवांतर होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा वेग से क्या करेंगे, ये गति करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो बच्चों देखिए, जो अपवयन वेग होता है वो चालक की लंबाई, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के ताप दाब और चालक का आयतन, चालक के क्षेत्रफल आदि पर निर्भर नहीं करता है, वह सिर्फ निर्भर करता है चालक पर आरोपित विभवांतर के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दें। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जिसको अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स ओम्स लो। ये बेटा इसका प्रैक्टिकल भी है, आपके प्रैक्टिकल बुक में इसका एक प्रैक्टिकल भी है जो भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस प्रैक्टिकल का जो सर्किट है वो भी आपको इसमें बताएंगे कि इस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर, चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो आरोपित विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपको, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये मान लीजिए कोई क्या अपने पास में चालक है और इस पर मैंने क्या कर दिया, विभवांतर आरोपित कर दिया, तो इसमें क्या करने लग जाती है, धारा प्रवाहित करने लग जाती है। सॉरी, धारा इधर प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होगा। दोबारा सुन लीजिए, रिपीट कर देता हूँ। किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर उसके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, उसके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक में प्रवाहित धारा आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैं बच्चे इसको लिख सकता हूँ V इक्वल टू IR, जहाँ R क्या होता है, समानुपाती नियतांक होता है, जिसे अपन चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसको चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है प्रत्येक चालक के लिए, और प्रत्येक चालक के लिए R का मान भी डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए चांदी के लिए अलग होता है, सोने के लिए अलग होता है, तांबे के लिए अलग होता है, एलुमिनियम के लिए अलग होता है, लेकिन पूरी एलुमिनियम धातु के लिए R का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात ये प्रतिरोध जो होता है वो क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, अर्थात जो धारा बह रही है किसी भी तार के अंदर उसको बहने का विरोध करता है, करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इस ओम के नियम से अपन क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं आई की वैल्यू, आई बराबर वी अपॉन आर। बच्चों इसी से ज्ञात कर सकते हैं अपन आर की वैल्यू, आर बराबर वी अपॉन आई। इस प्रकार से अपने पास में तीन फॉर्मूले यहाँ से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस चालक के प्रतिरोध की। प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, R का जो R होता है, R का मात्रक होता है ओम, और इसको इससे ग्रीक सिंबल से डिनोटेड किया जाता है। देखिए यहाँ से अपने R का मान प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, R बराबर होता है, सॉरी इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, R का मात्रक होता है ओम, ओके, और यहाँ पर V का मात्रक होता है वोल्ट, और I का मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि एक ओम बराबर हो जाएगा एक वोल्ट पर एम्पियर। एक वोल्ट पर एम्पियर को अपन क्या कह देंगे, एक ओम कह सकते हैं, ओके। इसकी वीमा निकालना चाहते हैं तो वीमा देखिए कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध की वीमा, और वीमा कैसे निकालेंगे, R बराबर होता है V अपॉन I, V क्या होता है W अपॉन Q, और ये I अपनी जगह, इसको मैं लिख सकता हूँ W अपॉन क्यू आई, ओके। तो देखिए बच्चों इसकी वीमा कैसे निकालेंगे, W की वीमा क्या हो गई, M1L2T-2, आवेश की वीमा होती है A1T1,
धारा की विमा होती है ए वन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम वन एल टू और टी ऊपर जाके बन जाएगा टी माइनस थ्री और ए माइनस टू। इस प्रकार से ओम के नियम की क्या ज्ञात कर सकते हैं, विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, ये हो गई इसकी विमा यानी कि प्रतिरोध की विमा। अब चलते हैं अपन आगे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों अपन, मैंने बताया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर IR। अगर V और I में अपन अगर ग्राफ खींचते हैं, V और I में अगर अपन ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो किसको प्रदर्शित करती है, इसके कांस्टेंट होने को प्रदर्शित करती है। ओके बच्चों, तो अपन अब इसके थोड़ा सा आगे क्या करेंगे, ये बेटा इसका आई वी ग्राफ है जिसको अपन ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इधर क्या ले लेंगे आई और इधर ले लेंगे वी, इसको वी आई ग्राफ बोलते हैं और ये होता है इसका थीटा। अपन इसको अगर मान लीजिए थोड़ा सा आगे लेकर अगर निकालना चाहते हैं या डायरेक्ट भी निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। ये हो गया थीटा, ये हो गया वी और ये हो गया आई, तो यहाँ पर बन गया कितना, यहाँ पर बन गया अपने टेन थीटा बराबर कितना आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आई और कर्ण कितना है वी, ये लंब बटे सॉरी लंब बटे आधार, लंब कितना है आई, लंब बटे आधार ही होता है टेन थीटा बराबर, तो यहाँ पे ये आ गया टेन थीटा बराबर। और यहाँ से अपन निकालना चाहें आर बराबर, आर बराबर आता है वी अपॉन आई और ये हो गया आई अपॉन वी, तो आई अपॉन वी हो जाएगा वन अपॉन आर, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर वन अपॉन आर। ओके वन मिनट, देखिए सर ऊपर वाले सर पोज, ये टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है और ये फाइंड करके वन अपॉन आर इसका प्रतिरोध आ गया। अब चलते हैं अपन आप इसके आगे और इसके आगे निकालेंगे बच्चों अपन क्वेश्चंस। और क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इसका आसान है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको आ जाए ऐसे पूछ ले, मान लीजिए क्या दे रखा अपने पास में कोई आई वी ग्राफ दे रखा है, ये आई और ये वी, मान लीजिए दो धातु के आई वी ग्राफ दे रखे हैं, ये धातु ए है और ये बी है, किस धातु का प्रतिरोध अधिक है, किस धातु का प्रतिरोध अधिक है, तो इसका प्रतिरोध अधिक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे सीधा डालेंगे, एक लंब डालेंगे, एक रूड मेथड है इसका। यहाँ पे देखिए बेटा बी वाली धातु में कम धारा प्रवाहित हो रही है, ए वाली धातु में क्या हो रही है अधिक धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा अधिक प्रवाहित हो रही है उसका प्रतिरोध क्या होता है कम होता है, तो देखिए आर ए क्या होता है कम और आर बी है ज़्यादा, यानी कि ए धातु का प्रतिरोध क्या है कम और बी धातु का प्रतिरोध क्या है अधिक है। ऐसे ही पूछ ले कि बच्चों आपको सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि इन दोनों में से किस धातु का टेम्परेचर अधिक है, तो जिसका बेटा प्रतिरोध कम होता है उसका टेम्परेचर भी क्या होता है कम होता है, और जिसका प्रतिरोध अधिक होता है उसका टेम्परेचर भी अधिक होता है, क्योंकि जिसका टेम्परेचर अधिक होता है उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, इसके जो क्या बोलते हैं उसको, इसका वो होता है क्या बोलते हैं प्रतिरोध पर भी, प्रतिरोध उसके धातु के तापमान पर भी निर्भर करता है, जिसको अपन आगे चर्चा करेंगे कि ताप बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, ताप बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रतिरोधक प्रतिरोध की निर्भरता, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। देखिए बच्चों मैं इसको क्या है अगले वीडियो में एक बार और बताऊंगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिरोध आ गया इसलिए मैंने इस प्रतिरोध के बारे में बता दिया है। तो देखिए प्रतिरोध जो होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, नंबर एक चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर क्या होता है, चालक की लंबाई पर निर्भरता, और चालक की लंबाई पर निर्भरता क्या है,
कि जो प्रतिरोध होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चालक की लंबाई के। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड होता है चालक के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता, यानी कि आर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/a। यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको समीकरण नंबर दो, समीकरण एक व दो से क्या लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ओके, और इसको अपन लिख सकते हैं क्या, आर इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ रो बराबर क्या है, समानुपाति नियतांक। समानुपाति नियतांक है, ये नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। और ये प्रतिरोधकता क्या होगी, इसको दे दिया समीकरण नंबर तीन, और समीकरण तीन से रो बराबर आ जाएगा आर ए अपॉन एल। देखिए बच्चों, चालक का जो प्रतिरोधकता होती है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, वो चालक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि लंबाई उसकी जो वीमा जो होती है चालक की, उस पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल चालक के पदार्थ या अर्थात प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, और इसका मात्रक देखिए कैसे निकालेंगे, रो का मात्रक बराबर आर, यानी कि ओम, आर का मात्रक इनटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसको अपन काट दिए तो क्या बन गया, रो इज कस्टमर, रो का मात्रक बच गया, रो का मात्रक बच गया ओम मीटर। ये ओम मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अगर इसकी वीमा निकालना चाहें तो अपन, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसकी वीमा आएगी प्रतिरोधकता की वीमा, प्रतिरोधकता की वीमा आ जाएगी आर की वीमा, यानी कि रोग की वीमा बराबर आर की वीमा। आर की वीमा अभी भी निकालता एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये तो किसकी वीमा आ गई, पर रोग की वीमा आ गई, और एन की प्रतिरोध की वीमा आ गई। ओके, ओम मीटर, ओम की वीमा और मीटर की वीमा आ गई एल वन। तो क्या बन गया अपने पास में, एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये आ गई इसकी वीमा। ओके, और देखिए बच्चों, ये तो हो गई प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है, हाँ सर, प्रतिरोधकता का जो वीमा आ गई। अब देखिए बच्चों, चालकता, चालकता क्या होती है, चालकता होती है, इसको अपन सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और चालकता होती है 1/ प्रतिरोधकता, यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक। ओके, तो सिग्मा बराबर 1/ रो। एक बात और बता देते बच्चों, यहाँ पे जो प्रतिरोधकता जो होती है वो चालक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि चालक की वीमा पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकता है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और अब इससे आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।